हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल विश्वकर्मा जी यूट्यूब चैनल में। मैं सूरज विश्वकर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आज मैं काफी कमाल का फोन आपके लिए लेके आया हूं, दिखने में काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। तो चलो जान लेते हो फोन कौन सा है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है और उसकी खासियत क्या है। तो वीडियो को बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस फोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस फोन का नाम है LG Wing। काफी कमाल का फोन है और काफी इंटरेस्टिंग फोन है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, साइड पे जैसे स्क्रीन पे चल रहा होगा कि किस तरह से फोन दिखाई देता है। तो गाइस ये जो इसमें डबल स्क्रीन दी हुई है, इसका जो स्क्रीन है मुड़ के टी शेप का पूरा हो जाता है। इसमें दो दो स्क्रीन आपको देखने मिलता है। तो बात करते हैं स्क्रीन की, तो इसमें आपको 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने मिलता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्प्ले की बात किया जाए तो वो कुछ 3.9 इंचेस का GOLED डिस्प्ले देखने मिलता है। और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं नेटवर्क की, तो इसमें आपको हर तरह के नेटवर्क सपोर्ट देखने मिलते हैं, 2G 3G 4G एंड इसमें 5G सपोर्टेड भी देखने मिलता है आपको इस LG Wing फोन के अंदर। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं फोन के बॉडी के बारे में जान लेते हैं। तो जो फोन का वजन है वो 260 ग्राम का है, यानी 260 ग्राम का बस ये फोन है, ज्यादा इतना वजनदार नहीं है। और फोन दिखने में काफी ज्यादा पतला और काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देता है। और इसके अंदर आपको हाइब्रिड डुअल सिम स्लॉट देखने मिलता है। और इसके बाद ये जो फोन है IP54 स्प्लैश प्रूफ है, यानी कि इस पे अगर पानी वगैरह के छींटे पड़ते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस फोन के ऊपर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके डिस्प्ले के बारे में, कुछ 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले एक है। और उसके बाद जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वो कुछ 3.9 इंचेस का, करीबन 4 इंचेस का जो कि आपको डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसको GOLED भी कहा जाता है। और बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने मिलता है। और इसमें चिपसेट की बात किया जाए तो इसमें आपको ओक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर देखने मिलता है। और फोन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 8GB रैम और 128GB का सपोर्ट देखने मिलता है। आप इसको यकीन नहीं मानोगे, काफी ज्यादा हद तक इसका स्टोरेज यानी कि यकीन करने लायक नहीं है। आप इसके स्टोरेज को 2TB तक भी बढ़ा सकते हो, 2TB तक। दोस्तों इसके कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा और 13 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का जो है कि रियर कैमरा देखने मिलता है। और फ्रंट की कैमरे की बात किया जाए तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने मिलता है, 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। इसमें जो है कि पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, इस पे आपको कहीं पे भी जो साइड में ऐसा कैमरा और इसमें जो नॉच वगैरह कुछ दिखने नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो है कि 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने मिलेगा। और बात करते हैं फोन के बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने मिलती है। और इसमें आपको क्विक चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने मिलता है। और इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने मिलता है इस LG Wing के अंदर। बात करते हैं इस फोन के कलर ऑप्शन की, तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने मिलते हैं, पहला है ऑरा ग्रे और दूसरा है इल्यूजन स्काई। दोस्तों इस फोन का कैमरा काफी ज्यादा कमाल का दिया हुआ है, इसमें आपको गिम्बल सपोर्ट कैमरा देखने मिलता है, यानी कि इसके फोन के कैमरे के अंदर आपको जो रियर कैमरा देखने मिलता है उसमें गिम्बल लगा हुआ है, यानी कि वीडियो जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो उसमें थोड़ा सा भी हलचल देखने नहीं मिलेगा, एकदम कम्प्लीटली स्टेबल वीडियो आपको देखने मिलेगा जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो। जो आपको आउटपुट देखने मिलेगा काफी क्लीन और काफी स्मूथ वीडियो देखने मिलेगा। इसके कैमरे में आपको जॉयस्टिक भी देखने मिलता है काफी कमाल का, यानी कि आप एक जगह फोन को होल्ड कर दीजिए, उसके बाद जैसे आप जॉयस्टिक इधर से उधर करोगे तो फोन का कैमरा भी जो है इधर से उधर होएगा, और ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जॉयस्टिक का ऑप्शन भी काफी कमाल का दिया हुआ है, यानी कि फोन के ऊपर वाले कैमरे में जो है कि आपको कैमरा ऑन का जो आपका स्क्रीन दिखाई देता है, जो कैमरे के पीछे साइड का दिखाई देगा वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद जॉयस्टिक का जो ऑप्शन है आपको डुअल स्क्रीन दूसरे स्क्रीन के ऊपर देखने मिलता है। काफी कमाल का फोन है, तो उम्मीद करता हूँ ये फोन आपको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको जो है कि इसका एक क्विक वीडियो आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे।
करता हूँ, वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ फोन के अंदर आपको क्या अच्छी बात लगी और क्या बुरी बात लगी, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।